हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज में। आइए, महिंद्रा 275 आपके सामने खड़ा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी बहुत लग रही हो रही है, और इस दौरान ट्रैक्टर के अंदर क्या तकलीफ हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। विशेषकर ये ट्रैक्टर ओनर के लिए, ट्रैक्टर वालों के लिए, किसानों के लिए जानकारी है। इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी, छोटा सा वीडियो स्किप ना करें। जैसा कि पानी की कमी होने की वजह से इसका रेडर चोक हो गया था, रेडर चोक हुआ, सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया, ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, पानी कम मिला ट्रैक्टर को, इसके लाइनर सीज हो गए। पिस्टन दो, ये देखो, इसकी पिस्टन की रिंगे चिपक गई थी। रिंगे चिपकने की वजह से ये बैक कंप्रेशर मारने लगा और हिट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये किसानों के लिए हम जानकारी देंगे। तो हमें सबसे पहली चीज, अपने ट्रैक्टर के रेडर को सफाई करवाना है। रेडर की सफाई होना जरूरी है, क्योंकि हम कई तरह का पानी डालते हैं उसके अंदर, कभी हेडपम्प का डाल दिया, कभी तलाई का, कुएं का डाल दिया, कभी इधर नाले का पानी डाल देते हैं, मजबूरी में होता है, तो वो रेडर चोक हो जाता है। इस रेडर के चोक होने की वजह से आपके इंजन की कंडीशन ये हो जाती है, और इसको हमें अगर इससे सही काम लेना है, इसको हिट नहीं करना है और आराम से इसको अच्छे से चलाना है, तो इसके लिए हमें या तो कूलेंट का इस्तेमाल करना होगा और रेडर के अंदर पानी पूरा भर के रखना होगा। और सावधानी की ज़रूरत यह है कि जब भी हम ट्रैक्टर को सुबह स्टार्ट करते हैं या जुताई के लिए जाते हैं, ट्रॉली पे चलाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें आयल चेक करना होता है। ड्राइवर का ये काम होता है कि आयल चेक करें, पानी चेक करें और देखे कि कहीं ट्रैक्टर चलने के बाद 5-10-15 मिनट बाद चलने के बाद देखे कहीं हीट तो नहीं हो रहा है। अगर हीट होगा तो वैसे ही गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट होगा। अगर पानी का सर्कुलेशन सही नहीं होगा, पानी अगर सही से नहीं घूमेगा तो इंजन हीट हो जाएगा। अब देखो, इसके अंदर हमें इसके लाइनर निकालना पड़े, पिस्टन की रिंगें डालना पड़ेगी, इसकी जो रबड़ की रिंगें होती है लाइनर की वो जल चुकी है, ख़त्म हो गई है, वो भी हमें डालना पड़ेगी। ये पूरा नुकसान जो हुआ है कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ओनर की लापरवाही या जरा सी हमारे ध्यान नहीं रखने की वजह से हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये किसान भाइयों, इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर हम नज़रअंदाज इस चीज़ को करेंगे, पानी और हवा की, पंखा आपका बेल्ट टाइट होना चाहिए, पंखा पूरी तरीके से घूमे, हवा अच्छे से दे ताकि इंजन ठंडा रहे। इंजन अगर आपका ठंडा रहेगा तो ये दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर इस तरीके से हम, कभी पंखा टूट रहा है, बेल्ट है, लूज़ है, पानी का रेडर चोक है, तो फिर ये सारी समस्याएं हमारे लिए तैयार हैं। तो इस बहुत सारी जगह कई बार हमने देखा, मैंने अपने गैरेज पे ट्रैक्टर आते हैं, नए नए ट्रैक्टर सीज हो जाते हैं, साल भर 6 महीने चले हुए ट्रैक्टर इस पानी की वजह से, कूलेंट न होने की वजह से सीज हो जाते हैं। और आगे चल के कूलेंट कोई खास बड़ी बात नहीं, 200 रुपये का डब्बा आता होगा मुश्किल से, ठीक है। और पानी तो हमें ऊपर वाले की कुदरत है, फर्स्ट क्लास हर जगह मिल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर डिस्टिल वाटर इसमें नहीं डाल सकते तो कम से कम पानी तो डाल ही सकते हैं ना, वो अगर हम सही से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारे ट्रैक्टर में ये सारी तकलीफें दिक्कतें नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।